गोजरी जबान में अपडेट सुनिए। भारत में बड़ा अरसा दे मुसलमाना ना एक मुनज़म तरीका दे तासब और तशद्दुद को सामना। बरतानवी हुकूमत दे भारत की आज़ादी दे बाद भारतीय मुसलमाना ने मुझ ज्यादा फिरकावाराना फसाद देखा, जिन्हां विचों 1992 में हिंदू इंतिहा पसंदा के हाथों तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत, 2002 में गुजरात में मुसलमाना को कतलेआम और 2020 में दिल्ली का मुस्लिम कुश फसादात भारत में फिरकावाराना तशद्दुद की बांदी मिसाल। भारत में मुसलमान पासमानदा तरीन तबका में शुमार किया जाए। मोदी और बीजेपी का इकतदार में आने के बाद मुस्लिम मुखालफ जज्बात में खतरनाक हद तक बद हो। आरएसएस की हिमायत याफ्ता बीजेपी भारत में हिंदू कौम परस्त एजेंडा के ऊपर अमल कर रहा है और 2019 में मोदी का दोबारा इकतदार में आने के बाद बीजेपी हुकूमत ने अपनी पॉलिसियां ना बड़ी तेजी के ना आगे बढ़ाया है, जिड़ी वाजिया तौर पर मुसलमानों का हकूक नजरअंदाज कर रही है। बीजेपी हुकूमत में मुसलमाना ईसाइयां और नीची जात का हिंदुओं पर तशद्दुद और मुजालम के बीच मुझ ज्यादा बाद हो गया। मोदी का ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत का बनाया गया कवानीन को मकसद लखा मुसलमाना ना हक राय दही दे महरूम करना है और मोदी का दौर में भारत का हर इदारा में मुस्लिम दुश्मनी में बाद हो गया। भारतीय मुसलमाना ना गाँव को गोश्त खाण और माल मवेशी ना इंगा ले जाण का बहाना भर कतल किया जाए और तशद्दुद को निशाना बनाया और भारतीय हुकूमत ऐसा वाकात में मुलव्वस शिद्दत पसंद हिंदुओं ने थपकी दिया। नस्लकुशी और तशद्दुद का आलमी माहिरीन पहला ही दुनिया ने खबरदार कर चुके हैं कि भारतीय हुकूमत भारत और गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकुशी की तैयारी कर रही है और कश्मीर मुखालफ इकदाम और नौ इम्तियाजी शहरीत कानून ही बीजेपी की मुस्लिम मुखालफ कार्रवाइया की बांदी मिसाल। भारत में मजहबी अकलीता ना बचाने के वास्ते आलमी हकूक का इदारा ना आगे आना चाहिए और हिंदू फासिज्म को फौरी नोटिस लेने की जरूरत है।